इस पूरे मामले को लेकर के 24 घंटे हो चुके हैं, ये कहा गया कि 24 घंटों में इसका खुलासा हो जाएगा। खास बातचीत में हमारे सहयोगी गगन मिश्रा से क्या कुछ कहा गया, आइए सुन लेते हैं। रणजीत बच्चन की हत्या के मामले में हमसे बात करने के लिए डीसीपी सेंट्रल दिनेश सिंह जी हैं। सर, जिस तरह से हत्या हुई उसके बाद लगातार पूछताछ जारी है, सर क्या अभी तक सब उस प्रारंभिक जांच में? अभी प्रारंभ जांच चल रही है, विवेचना चल रही है और इस भी मध्यवर्ती स्टेजेस पे हम बीच के इंटरमीडिएट लेवल्स पे कुछ बोलने में मैं भी समर्थ नहीं हूँ। सभी बिंदुओं पर हम गहनता से छानबीन कर रहे हैं, साक्ष्य संकलन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि हम इसका यथाशीघ्र अनावरण करेंगे। सर, एक सवाल है सर, उसको जो फायर की गई थी सर, वो किस जगह पे की गई थी बॉडी की? क्योंकि अभी फिलहाल पोस्टमार्टम भले ही गई हो, बॉडी किस पार्ट? पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैंने नहीं देखी, लेकिन जो प्राइमरी स्पेसी मैंने घटनास्थल पर देखा था, एक के सर पर गोली लगी और एक के बाएँ हाथ में लगी थी, मृतक के सर पर लगी थी और जिनके बाएं हाथ में लगी है वो खतरे से बाहर। आखिरी सवाल है सर कि वहाँ जिस जगह पे मर्डर हुआ है वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज बहुत थी, क्या फुटेज अभी खंगाली गई कि अभी सब इंतजार है फुटेज में लगी है और जहाँ जहाँ हमें इस प्रकार के फुटेज उपलब्ध हो रहे हैं उनका हम विश्लेषण कर रहे हैं। माने कि जल्द से जल्द सर पूरा अनावरण हो जाएगा घटना? बिल्कुल अनावरण होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि हम यथाशीघ्र क्या विद इन 24 आवर्स अनावरण कर देंगे। धन्यवाद हमसे बात करने। तो ये था दिनेश सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगले 24 घंटे में इस पूरी घटना का अनावरण हो जाएगा और रणजीत बच्चन के जिन्होंने भी मर्डर किया है उनके नाम सामने होंगे। कैमरा पर्सन आशीष के साथ गगन मिश्रा, आर9 टीवी, उत्तर प्रदेश।